नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास हेतु नागरिक उत्साह से निभा रही अपना संवैधानिक जिम्मेदारी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज मतदान दिवस के दौरान हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने का माओवादियों की साजिश को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है सुरक्षा बल। अंदरूनी क्षेत्र में लगातार सर्चिंग गश्त कर रही डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की स्पेशल फोर्स द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में की जा रही है पहरेदारी। उल्लेखनीय है कि आज प्रांत पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी और कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जगदलपुर शहर के शहीद भगत सिंह हाई स्कूल में स्थापित मतदान केंद्र क्रमांक 75 में कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग किए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र परिसर में बनाए गए सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। वहीं मतदान केंद्र के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे मतदाताओं का हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर आईजी बस्तर रेंज सुंदर राजपी ने बस्तर अंचल के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सभी मतदाता अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें और बस्तर क्षेत्र के विकास हेतु शांति और सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान निभाएं। पुनः बस्तर क्षेत्र के नागरिकों और मतदाताओं से अपील है कि वे आज अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान अवश्य करें। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी और कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने इस दौरान जगदलपुर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित 3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान स्थिति का जायजा लिए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास हेतु लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना हम सबका एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए आज 7 नवंबर को बस्तर संभाग के समस्त 12 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हेतु हम सभी क्षेत्र के नागरिक और मतदाता से अपील करना चाहते हैं, वो अपने घर से निकले और मतदान केंद्र तक पहुँच कर अपने एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरे क्षेत्रवासी सबसे अपील करना चाहूँगा। सभी मतदान केंद्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, वो लोग बिना किसी प्रकार का भय, बिना किसी प्रकार का डर अपना मताधिकार को जाकर प्रयोग करें और लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत करने का अपना योगदान दें। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।